Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। ममता बनर्जी को मालूम नहीं है कि संदेश खाली का हिंदू माँ बहन का रातों पर रात महीनों पर महीनों आपका आपका लाडला भाई शेख शाहजहां और उसका गुंडा लोग रात का एक बजे दो बजे घर से महिला लोगों को उठाकर टीएमसी पार्टी ऑफिस में लेकर जाकर उनका धर्षण करते थे, आपको मालूम नहीं है? आपको स्टेट आईबी को मालूम नहीं है? सिर्फ जमी अधिग्रहण का ही केस हुआ है, हम लोग तो बार बार बोला है पुलिस मंत्री कौन है? आप है ममता बनर्जी, आपका पुलिस कंप्लेन नहीं लेते हैं। बार बार हमारा हिंदू महिला लोग जिसका धर्षण हुआ अत्याचार हुआ पुलिस स्टेशन गया, वो लोग बोले है कंप्लेन लीजिए, लेकिन कंप्लेन नहीं लिया गया। आज हम विधायक का होके भाजपा का सांसद का प्रार्थी होके हम कुतवाली थाना में जाते हैं एक कंप्लेन देने के लिए और कंप्लेन नहीं लिया जाता है। तो संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली में नहीं है, संदेश खाली सारे बंगाल में है, क्योंकि ममता बनर्जी आप जिहादी का समर्थन करते हैं, जो अत्याचार करते हैं अत्याचारी का आप नहीं पास में है, जो अत्याचार करते हैं उसका आप समर्थन करते हैं। कुणाल घोष ने कहा है कि एसएससी मामला राज्य सरकार को पता था, संदेश खाली को लेकर उन्होंने कहा कि अभी इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज कुणाल बाबू बोल रहे एसएससी का घटना उनका दल को मालूम था, उनका सुप्रीमो को मालूम था, टीएमसी पार्टी और सरकार का सुप्रीमो कौन है? ममता बनर्जी आप है। आप जाके पार्थो चैटर्जी को लेकर 2019 में कलकत्ता प्रेस क्लब का सामने जहां पर आंदोलन कर रहे थे शिक्षक शिक्षिका, आप जाकर बोले थे हम एक टीम गठन कर रहे, 5 सदस्य का टीम, वो टीम देखेगा क्या हुआ है नहीं हुआ है ये पूरा हम लोग देख लेंगे। लेकिन बाद में देखा गया, अदालत ने बोले बाघ कमेटी, मुझे जो मालूम है बाघ कमेटी ने बोले जस्टिस बाघ की जो टीम गठन हुआ ममता बनर्जी का द्वारा वो टीम ही पूरा फ्रॉड है, वो टीम ही पूरा माने दुर्नीति से भरा हुआ है। तो ममता बनर्जी आपको पूरा मालूम था ये चोरी हो रहे, जिला में एजेंट फिक्स करके आपका पार्टी का दो नंबर सुप्रीमो पार्थो चैटर्जी जिला से पैसा उठाकर ये नौकरी बिक्री करने का पैसा उठाकर पुलिस का गाड़ी में कलकत्ता लेके जाते थे। पुलिस मंत्री के कौन है ममता बनर्जी? पुलिस मंत्री का गाड़ी में पैसा लेके जा रहे ममता बनर्जी को मालूम नहीं था? हम लोग बुर्बक नहीं है, मुंह में हमारा बुर्बक नहीं दिखते हैं, हमारा बुद्धि है। तो ममता बनर्जी आपका ये ढोंग और आपका ये प्रताड़ना, आप बहुत कुछ कर सकते थे, बंगाल के लोग आपके ऊपर विश्वास किया था 2011 में, लेकिन आप अपना परिवार आपका प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए दुर्नीति आप किए हैं और इसका जो माने अभिशाप ये बंगाल के लोग आपको देगा। आपने आज अपना नॉमिनेशन दिया है, सीट भाजपा की है, लेकिन आपके लिए ये क्षेत्र नया है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? कोई भी क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है, हम भारतवासी है पहले, उसके बाद हम पश्चिम बंगाल के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं कि अंडमान के हैं, भारत मेरा है, हम कहीं भी भारत का कहीं भी जगह से हम लड़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मुझे इधर भेजे हैं एक दायित्व देकर, हम इधर आए हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे लद्दाख जाके लड़ो, पंजाब जाके लड़ो, केरला जाके लड़ो, हम लड़ेंगे, और क्योंकि लड़ेंगे इसलिए क्योंकि पूरा भारत हमारा है। हम बंगाल में रह के हम नहीं बोलते हैं मोदी जी बहिरागत है, हम नहीं बोलते हैं अमित शाह बहिरागत है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बहिरागत नहीं होते हैं, लेकिन कीर्ति आजाद बहिरागत नहीं होते हैं, लेकिन यूसुफ पठान बहिरागत नहीं होते हैं, लेकिन मोदी जी बहिरागत हो जाते हैं। हम वो फिलोसफी में बिलीव नहीं करते हैं, हमारे लिए सबको ही भारतवासी है, सबका अधिकार है, और मेदिनीपुर तो खास बहुत खास है क्योंकि मेदिनीपुर से हम छोटे से हम लोग ये सीखे हैं, आज खुदीराम बोस, आज माँ मातंगिनी हाजरा, आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं हम लोग बंगाली लोग, तो मेदिनीपुर का तो अलग सेंटिमेंट है हमारे लिए।